हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। एसएससी स्कूल रंग स्पाइस सज्जानंद गुरुकुल मानपुआ हार्टली वेलकम्स यू टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज यूज ऑफ एम एंड पीएम। ठीक है, आपको एम और पीएम को किस तरह से यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, द आवर हैंड, दैट मीन्स आपने देखा जो क्लॉक होता है, ठीक है, वहां पे आपने जो 12 आवर्स होते, ठीक है, अब जो 12 आवर्स बिग डायल है वो 1 से लेके स्टार्ट करता है 12 पर आता है, ठीक है, तो 1 आवर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, दैट मींस द आवर हैंड वाज द 1 ऑफ द डायल इज 12 आवर्स। दैट मींस वो 1 डायल है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करता है तो 12 आवर्स है वो होते हैं। बट देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, दैट मींस इंक्लूडिंग नाइट। हम रात को भी सुबह से लेके रात कर और दूसरी जब सुबह होती है तब पूरा का पूरा जो दिन है तब वो 24 आवर्स का होता है। ठीक है, दैट मींस इंक्लूडिंग हम नाइट है उसको भी हम उसमें इंक्लूडिंग कर देते हैं। व्हेन वी डिसाइड टू मीट समवन एट अ डिफाइनेड टाइम से 8 o'clock, एग्जाम्पल हमें 8 o'clock है वो किसी को मिलने के लिए जाना है, तब हम क्या बोले, एम या पी एम बोले। दैट मीन्स हमें पता 8 है वो दो बार आता है, सुबह भी 1 बजते और रात को भी 1 बजते, तो हम किस तरह से पता चले हमें कि वो सुबह का 1 बजे जाना है ठीक है या फिर रात को 1 बजे जाना है। दैट मीन्स उसके लिए एम और पी एम है उसका यूज होता है। वी हैव टू टेल वेदर इट्स 8 o'clock मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग होता है तब उसमें हम यूज करेंगे एम, इवनिंग है उसमें हम यूज करेंगे पीएम। ठीक है, मॉर्निंग दैट मीन सुबह को 8 बजे, इवनिंग दैट मीन शाम को 8 बजे। द आवर हैंड्स क्रॉसेस ईच डिजिट्स ऑन द डायल ट्वाइस अ डे। जो आवर जो हैंड है जो, ठीक है, वो दो बार है वो घूमता है। अ डे बिगिंस एट 12 midnight एंड एंड्स एट 12 minutes ऑफ द फॉलोइंग डे। रात को 12 बजे से दूसरे रात को 12 बजे तक पूरा का पूरा वो मिडनाइट जो अवर हैंड है वो घूमता है। ठीक है, आप देखो मैं किस तरह से अभी कभी अभी अभी से टाइम के बर्थडे है, दूसरे दिन बर्थडे होता है तो हम रात को 12 बजे केक कटिंग करते हैं फिर 20 करते हैं, तो दैट मीन्स 12 बज गए, दैट मीन्स दूसरा दिन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स रात से 12 बजे तक दूसरे रात को 12 बजे तक पूरा 1 आवर है या फिर 1 डे है वो होता है। फॉर कन्वीनियंस द टाइम फ्रॉम 12 midnight टू 12 noon, दैट मीन्स रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 12 midnight टू 12 noon, ये जो 12 midnight है दैट मीन्स वो रात के 12 बजे है, 12 noon दैट मीन्स आपको समझना है दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, दैट मीन्स रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो टाइम है 12 आवर्स का, ठीक है, उसमें हम यूज करेंगे एम। एम दैट मीन्स एंड मेरिडियन। ठीक है, एंड द टाइम फ्रॉम 12 noon टू 12 midnight। अब 12 noon से 12 midnight दैट मीन्स दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम है उसमें हम यूज करेंगे पीएम। ठीक है, दैट मीन्स पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट दैट मीन्स बाद में। ठीक है, और एंटी मेरिडियन, एंड मेरिडियन दैट मीन्स पहले, दैट मीन्स रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है, ठीक है, उसमें हम एम यूज करेंगे और दोपहर से 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम है उसमें हम पीएम यूज करेंगे। ठीक है, आपने अपने मोबाइल उसमें आप देखा होगा कि रात के 12 बजे है 12 होता है फिर 12 से वो 1 minute आती है 12 तो पीछे एम आ जाता है। ठीक है, और दोपहर के 12 बजे जब आप देखते हो मोबाइल में, ठीक है, उसमें आप 12 के वो 1 minute होती है वो पीएम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है दोपहर से 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम है उसमें हम पीएम यूज करेंगे और रात के 12 बजे से सुबह से दोपहर का 12 बजे तक का टाइम हम एम यूज करेंगे। मिड मींस नून, एम मीन
and PM means afternoon. Extending 12 hours to each side. दोनों में 12 hours आएंगे, ठीक है? इसमें भी 12 hours है, इसमें भी 12 hours. तो दोनों का addition करोगे तो total 24 hours का one day है वो हो जाएगा. अब देखो, आपको बताना है कि AM और PM कहाँ पे हम use करेंगे. Write these times in AM और PM. First आपको तो दिए थे 7:50 in the morning. आपको सुबह के 7:50 minutes दिया है. That means सुबह के 7:15 बजे, ठीक है? सुबह के 7:15 बजे, that means दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम. इसमें हम यूज करेंगे एम 7:15 एम. इस तरह से हम इसको लिखेंगे एम यहाँ पे. नेक्स्ट आप तो 8:15 इन द इवनिंग. आपको आपने इसी का क्वार्टर, दैट मींस 45 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स. यहाँ पे आपको 2:04 दिया गया है, दैट मींस यहाँ पे आपको दिया गया है 4:15 की देरी, और वो भी सुबह मॉर्निंग, दैट मींस 3:45 सुबह के 4:15 बजे. 3:45 मॉर्निंग दिया गया है. मॉर्निंग है दैट मींस रात के 12:30 बजे से, सॉरी 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एम रहेगा. यहाँ पे सुबह का 3:45 एम है, मॉर्निंग है, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे एम 3:45 एम, ठीक है? नेक्स्ट आपको दीजिए 3:00 इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून दिया गया, दैट मीन्स दोपहर के 3 बजे. इसमें आप यूज करोगे पीएम 3:00 PM, ठीक है? इस तरह से आपको नेक्स्ट आपको दिए थे 12:15 इन द नाइट. आप यहाँ पे सोचोगे कि नाइट दिया गया, दैट मीन्स पीएम आ जाएगा. नो, व्हाई? क्योंकि 12:15 इन द नाइट, दैट मीन्स 2:12 है और यहाँ पे क्वार्टर है. क्वार्टर दैट मीन्स 45 मिनट्स पे और 15 मिनट्स पे क्वार्टर आएगा, और यहाँ पे 2:12 दिया गया, दैट मीन्स 12:00 बजने में 15 मिनट्स की देरी, दैट मीन्स 11:45 है, ठीक है? अभी और वो भी आपको दिया गया इन द नाइट, दैट मीन्स रात को अभी 12 बजे नहीं है. जब 12 बजेंगे तब आपका एम है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको दिया गया है 11:45 PM रात के 12 बजने में अभी 15 मिनट्स की देरी, ठीक है? प्रॉपर 12 बजेंगे तब फिर आपको एम है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी रात को 12 बजे नहीं है, तब तक हमारा पीएम ही रहेगा. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 11:45 PM, ठीक है? तो यहाँ पे नाइट देख के पीएम नहीं लिखना, आपको
पड़ेगा या पीएम, ठीक है। तो इस तरह से आपको एम और पीएम है वो लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग एम और पीएम का यूज करना है। व्हेन डू यू स्टार्ट फ्रॉम स्कूल टुडे, जब आप स्कूल है वो जाते हो, सुबह को स्कूल जाते हो, ठीक है। दैट मींस आपको टाइम लिखना है कितने बजे आप स्कूल जाते हो, 7:45 या 8 AM, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। व्हाट टाइम डिड द फर्स्ट बेल रिंग, पहला जो बेल है वो कब बजता है स्कूल में, या फिर 8 या 8:30, तो 8:30 AM इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है। व्हेन डिड यू गो टू बेड यस्टरडे, दैट मींस अगले दिन आप कितने बजे सोने के लिए गए थे, दैट मींस रात का टाइम हो गया, ये तो आप लिखोगे 9 PM, जिस समय आप सोते उस समय का आपको टाइम और एम या पीएम लिखना है। अब इसमें तो पीएम ही आएगा क्योंकि रात दोपहर के 12 बज गए, ठीक है। तो आप लिखोगे 9 PM, 10 PM, जो भी आता है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर है वो अपनी तरह से लिखना है। किस टाइम पर आप होमवर्क करते हो, खेलने के लिए जाते हो, वो टाइम आपको लिखना है। नेक्स्ट आप आता है, व्हाट टाइम वाज इट 3 अगस्त को बिफोर दिस टाइम, आपको टाइमिंग दिया होगा उसको 3 आवर्स पहले कितने बजे होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 8 o'clock दिया था तो 3 आवर्स पहले कितने बजे होंगे, तो 8 - 3 तो आंसर आएगा 5 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट आपको दिया 7:30 AM, 7:30 बजे सुबह के, एम दिया गया दैट मीन्स मॉर्निंग का टाइम है, आपको 3 आवर्स बिफोर टाइम लिखना है। दैट मीन्स आपको 7 में से 3 माइनस कर देना है, 7 में से 3 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 4:30 AM। नेक्स्ट आता है 12 midnight, दैट मीन्स रात के 12 बजे, ठीक है। रात के 12 बजे उसके 3 आवर्स पहले कितने बजे होंगे, 9, 12 - 3 9, तो आपका आंसर आएगा 9 PM, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है 12 noon, दोपहर के 12 बजे, उसके 3 आवर्स पहले आप माइनस करोगे 3 में, तो आपका 12 - 3 9 आंसर आएगा, बट इसमें आपका आंसर आएगा 9 AM, क्योंकि दोपहर के 12 बजे उसके 3 आवर्स पहले 9 AM आएगा, ठीक है। और रात को मिडनाइट है 12 बजे, उसके 3 आवर्स पहले 9 बजे, बट वो आपका आंसर आएगा PM, ठीक है। फिर आपको दिया गया 1:30 PM, दोपहर के 1:30 बजे, ठीक है। उसके 3 आवर्स पहले कितने बजे हो गए, दैट मीन्स 1:30 इसमें से आप 3 आवर्स माइनस कर डालो तो 12 बज के कितने बजेंगे, 10, ठीक है। 10 होगा तो 10:30 PM, 10:30 PM नहीं आएगा क्योंकि 12 से पहले का टाइम आ गया 10:30, तो 10:30 आपका आंसर आएगा A, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है। यहाँ पे देखो 1 AM दिए गए, 1 AM दिया गया दैट मीन्स 1 AM दैट मीन्स रात का 1 आवर्स है, रात के 1 बजे, और उसको आपको 3 आवर्स पहले का लिखना है, ठीक है। तो आप इसमें किस तरह से लिखोगे, 11 आंसर आपका आएगा, 10 आंसर आएगा, तो 10 आंसर आता है दैट मीन्स आप यहाँ पे आंसर लिखोगे 10 है, तो दोपहर रात के 12 बजे से पहले का टाइम आएगा 10, दैट मीन्स इसमें आप आंसर लिखोगे 10 PM, ठीक है। इस तरह से आपको 3 आवर्स पहले है का टाइमिंग भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है राइट टाइम विल बी 4 आफ्टर दिस टाइमिंग, जिसमें आपको हमने अभी 3 आवर्स पहले का लिखा, अब आपको 4 आवर्स बाद में लिखना है। आपको दिया गया 4:30 AM सुबह के 4:30 बजे, तो 4 आवर्स के बाद कितने बजेंगे, तो आपको 4 है वो ऐड कर देना है सब में, तो 4 में 4 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 8:30 AM। 12 noon दिया था दैट मीन्स दोपहर के 12 बजे, ठीक है। 4 आवर्स के बाद कितने बजेंगे, 4 PM। नेक्स्ट आपको दिया गया 10 PM रात के 10 बजे, 4 आवर्स के बाद कितने बजेंगे, 2, तो 2 बजे के रात के 2 बजे दैट मीन्स रात के 12 बजे के बाद आपका 8 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 AM। नेक्स्ट आपको दिया गया 12 midnight रात के 12 बजे, तो 4 आवर्स के बाद कितने बजेंगे, 4, तो उसमें भी आपका आंसर आएगा 4 AM, ठीक है। तो इस तरह से आपको एम और पीएम है वो लिखना है। इसमें एक है जिसमें आपको 3 आवर्स पहले लिखना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया 4 आवर्स आफ्टर दिस टाइम, दैट मींस आपको जो भी टाइम दिया गया उसमें 4 आवर्स के बाद कितने बजेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपको 4 है वो ऐड करना है, 3 आवर्स बिफोर इसमें आपको 3 आवर्स को माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एम और पीएम है वो आंसर है वो लिखना है। एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स, नाउ यू राइट द होमवर्क। YouTube channel. Thank you.